हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ये वीडियो है गुलमर्ग का। लास्ट वीक हम गए थे कश्मीर, गुलमर्ग में। कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर आपको अप्रैल मंथ में भी बहुत ज़्यादा आइस देखने को मिलेगी। और इतनी आइस, मतलब इतनी गर्मी में, हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो चुकी है और वहाँ का वेदर बिल्कुल एकदम ठंडा है। तो हम गए थे गुलमर्ग में, और गुलमर्ग में हमने की गंडोला, क्योंकि गुलमर्ग में गंडोला ही वहाँ की फेमस है और उसी के लिए मैक्सिमम लोग वहाँ पर जाते हैं गंडोला राइड करने के लिए। तो हमने की थी गंडोला राइड फेज़ वन वाली, क्योंकि फेज़ टू ऑफ था, क्योंकि वहाँ पर वेदर इतना ख़राब हो चुका था, क्योंकि बर्फ़ गिर रही थी, बारिश गिर रही थी 2 दिन से। गंडोला राइड कंटिन्यू। में भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, कम से कम हमें भी 1.5 आवर के बाद वहाँ पर मतलब राइड करने को मिली, क्योंकि वहाँ पर इतना रश रहता है और इतना टूरिस्ट होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है गंडोला। तो यहाँ पर हमने की गंडोला राइड, बहुत अच्छा था। गंडोला में हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। थोड़ा सा वेदर की वजह से भी उतना क्लियर नहीं आया, बट एंजॉय बहुत किया। इतनी हाइट पे लेके जाते हैं आपको, और नीचे आइस ही आइस होती है चारों तरफ आपके। चुके हैं, और ऊपर पहुंचते ही हमें लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख। तो हमने खाया यहाँ पर कश्मीरी पुलाव, जो कि बहुत टेस्टी था, और साथ में स्वीट कॉर्न। तो देखिए, आइस में यहाँ पर हो रही है एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा लोग एक्टिविटीज़ करते थे। हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम ये सब कुछ लास्ट डे सोनमर्ग में कर चुके थे। तो ये है प्रीशा बच्च तो ये है ऋत्विक। ऋत्विक को था कि स्नोमैन बनाए, तो वहाँ पर हमने बनाया एक छोटा सा स्नोमैन, क्योंकि ठंड की वजह से बर्फ़ से हाथ नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। थोड़ी देर घूमने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, थोड़ा सा व्यू देखने के बाद, वहाँ पर हम आ गए फिर वापस वहाँ पर। वहाँ पर और लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे ये स्लेज की राइड कर रहे थे लोग, बाइक से राइड कर रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे।
और थोड़ी देर में वहाँ पे शुरू हो जाती है बारिश, और इसकी वजह से हम आ जाते हैं वापस, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।